ऐसी जगह में पार्किंग मत करो। देखो गाइस, कुछ एक साइड से तो ये पूरी दब चुकी है। हाँ, ये रोड भी देखो गाइस, फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं शिमला दोबारा, क्योंकि आज मेरे बच्चे का पहला वैक्सीनेशन है। ये है मेरी वाइफ, ये पीछे सिस्टर है। सबकी ज़रूरत थी, लेकिन मौसम अच्छा होने के कारण आज सब लोग सो रहे हैं, तो हमें किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम सबको कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा है। लेकिन एट लास्ट मेरी ननद है छोटी मीनाक्षी, उन्होंने फ़ोन पिक किया, लेकिन वो देखो आज कितनी सारी कॉल पड़ी है। अगर आप मेरी साइड देखते होंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, से बारिश। और हमारी गाड़ी के आखिर गया HRTC की ब्लू बस जा रही है। कहीं कहीं पे इतनी सारी फॉग है और कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मौसम तो यहाँ पे साफ है, कोई फॉग नहीं है, बीच बीच में फॉग भी आ रही है। देखो ऊपर और अब हम जी कल्लू पहुंचने वाले हैं। हमने HRTC की बस को पीछे छोड़ दिया और अपनी गाड़ी को हम आगे ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, अब देखते हैं शिमला में ये थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि शिमला तो शिमला है पहाड़ों की रानी, तो वहाँ पे तो मौसम इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू हमें देखने को मिलेंगे वहाँ पे, स्पेशली मॉल रोड पे, रिज पे। लेकिन शायद हम वहाँ पे ना जा पाए क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा भी है और बारिश भी बहुत है। तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, देखो कितना बड़ा पत्थर आया ऊपर से। और ये ना थोड़ा सा एक डरावना रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा अकेले आने में डर लगता है जैसे पैदल चलता हो तो, क्योंकि यहाँ सुनसान है ये थोड़ा सा डर लगता है रात का। लेकिन कभी कभी जैसे अभी बारिश हो रही है तो भी यहाँ पे थोड़ा रात जैसा ही लग रहा है अगर यहाँ पे अकेले चलना हो तो। विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कम। हमने जाना है कि
जो मुझे सबसे गंदा रोड लगता है शिमला का। गंदा क्यों मैं अभी बताता हूँ। हाय जाम, एनएच की तरफ तो चल पड़े। ये रास्ता सबसे गंदा रोड लगता है। इंजीनियर ये बहुत खड़ा है और बहुत ही सिंगल है। यहाँ पे हमारे डिप्रांशन का फर्स्ट वैक्सीनेशन भी होगा और प्रीति को भी मेडिकल चाहिए था, इसका भी मेडिकल बनेगा। ये बहुत ही सिंगल रोड है, ऊपर से कोई गाड़ी आ जाएगा तो यहाँ पर पास लेना बहुत मुश्किल है। चल जाएगी तू कस्टम के मजबूर तो प्रीति भी ऊपर मोड़ूंगा ना मैं। हो ऊपर मोड़ने के लिए जगह नहीं है ना। रात के पेड़ गिरा इस गाड़ी में, भाई साहब की तो लंका लग जाएगी इसकी भी गाड़ी में। तो इसलिए फ्रेंड्स जब आप आएंगे ना तो अपनी गाड़ियां सोच समझ कर लगाएं आजकल बरसात में। ऐसी जगह में पार्किंग मत करो। देखो गाइस कुछ एक साइड से तो ये पूरी दब चुकी है। ये रोड भी देखो गाइस, सबसे बड़ी बात ये है अभी लोग स्टार्ट आने शुरू हुए और ये कितनी गाड़ियां हटवाएंगे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। हम निकालेंगे कोई और फंसा लेगा। चलो एनीवेज आप शिमला के नजारे कई सौ साल बाद हमारा काम निपट चुका है यहाँ पे। अब हम जाएंगे बच्चों के डॉक्टर के पास। ये मेरी सिस्टर है छोटी मीनाक्षी, ये मरीज हमारी।
क्या हुआ रश था? मीनाक्षी आप परेशान हो गए क्या? ठीक है घर जाना है। अब हम उठते हैं चाय के लिए, चाय पियेंगे और प्रांशु भी जब तक दूध पी लेगा। यहाँ रुके हम मैगी खाने के लिए। जहाँ से मैं चाय पीने को कहूँ वहाँ पे कुछ थोड़ा नीचे तक आ गया, वहाँ पे ऐसा नजारा है। जा रहे हैं चौधरी चाइल्ड क्लिनिक। ये इनका अपना घर है और क्लिनिक भी यहीं पे है। हमारा इसका प्रांशुल का चेकअप हो गया। पहले हम गुलाबी पे गए थे तो वहाँ पे रस बहुत था, फिर हम टीटू में आगे चौधरी पे अंदर से थे पहले कि पता नहीं क्या हो गया, हमें डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है।
आजकल वायरल चले हुए हैं ये सब बच्चों को, तो अब हम थोड़े रिलैक्स हुए। जल्द ही चप्पल की वीडियो भी डालेंगे।